This can be your next meal. And free delivery on Zomato. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर वंदा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे एक बार ठहरो ना वसीम भाई वसीम भाई हमारी अखबार अहमदार वादेश टीम है हमारे साजिद भाई है टीम वाइज खड़े के 11 प्लेयर खड़े हो ग्राउंड जी के सर का एक 11 लोग टीम प्लेयर अपने बोल कैप्टन टॉस हो चुका है बोल हाँ हो गया भाई ग्राउंड के बाहर है ना तुम भाई ग्राउंड के बाहर आ जाइए तुम भाई ग्राउंड खाली करिए वॉलीबॉल शरीफ साहब बोलते नहीं शरीफ साहब बोलते हेलो हेलो टास टास भाई वॉलीबॉल के खाली करना जल्दी खाली कैप्टन जाते हैं पूरे टीम जाते हैं अपने पूरे प्लेयर बाहर आना भाई ग्राउंड खाली करो पूरे जा रहे ना पूरे ग्राउंड खाली करो
अनु अनु सबके लेके चलो अनु अबे भाई ग्राउंड खाली करो भाई ग्राउंड खाली करो बाहर आओ बैठो बैठो आ बेटा इधर
हाँ पेटू पेटना आलरे अभिषेक हेलो इकबाल अहमद अगर के माने हुए हस्ती बेस्ट एंकर गुलजार कप पे जो एंकरिंग करे नवाज भाई कांबिए हमारे स्टेज पे आइए प्लीज आई रिक्वेस्ट नवाज भाई बेस्ट एंकर और स्पीकर वेलकम क्लैप के जो हमारे गुलजार कप लास्ट 2000 में जो किया गया है नवाज भाई दर भैया मैं बोले जब फन बॉल दार भाई मैं बोले तक रुको एक सेकंड दगर हटा लगे मेरा इनका दगर ना मिराज भाई के आउट होने के बाद अब मुख्तियार भाई और उन्होंने सीधा खेल लिया है फील्डर उसके पीछे और उन्होंने रोक लिया है उसी बार एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ने और ये दूसरा रन भी पूरा बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ और इसी के साथ ही ये ओवर की समाप्ति एक विकेट के नुकसान पर
और ये उन्होंने अपना रनअप नाम दिया है छोटा सा रनअप, और ये साजिद और उनका सामना करने के लिए मुख्तार साहब। ये एक पट्टी हुई गेंद और इसे उठा दिया है फील्डर वहां पर उठा दिया और जीवन दान मिल गया। बहुत ही खूबसूरत खेल देखने को यहाँ मिल रहा है, एक जीवन दान हमको गया, बहुत ही अच्छी गेंद ऊपर ऊंची ऊंचाई की तरफ और उसको पकड़ने में नाकामयाब रहे वहां के फील्डर। और ये दूसरी गेंद के साथ हल्का सा छोटा सा रन आप, और ये भी पटकी हुई गेंद और मिस हो गई, चूक गए और पीछे विकेट कीपर बहुत ही सफाई के साथ उसको गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया और वापस कर दिया। ये तीसरी गेंद फिर एक मरतबा शाहजी हल्के हल्के खत्मों से पटकी हुई गेंद और फिर एक मरतबा चूके और ये भाई हो सकता था, ठीक है फील्डर वहां पर मौजूद है उन्होंने कलेक्ट किया और वापस गेंद गिर गई, गेंद वापस फिर बॉलर के पास, थोड़ा सा चूक रहे हैं गेंद खेलने में और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगली गेंद के साथ ये फिर एक मरतबा चूके, बहुत ही कोशिश लगातार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन अगली गेंद और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने वहां पर फील्ड कर दिया बॉल को और वहां पर कीपर को दे दिया और भैया अपने टीम के 11 प्लेयर्स के नाम लिखा है पूरे कैप्टन, जो जो भी नहीं लिखा है प्लीज स्टेज पे आइए, स्टेज पे आके 11 प्लेयर्स के नाम और मोबाइल नंबर लिखाइए। दो ओवर के अंत पर स्कोर 4 और 1 विकेट के नुकसान पर टीम जी खेलती हुई। टीम के कैप्टन 4 पे 1 विकेट 4 रन पे 1 विकेट का नुकसान। बॉलर का नाम के साथ खूबसूरत बॉल जुबैर भाई की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी और सीधा उसको विकेट को ले गई और
ये बैट्समैन बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी आउट होकर पवेलियन में वापस आते हुए और नेक्स्ट बैट्समैन है पाकिस्तान अब उनकी जगह लेने के लिए जाते हुए ये पहली गेंद पर उन्होंने आउट कर दिया है जोश के साथ फिर एक मरतबा फिर गेंद करने के लिए आ रहे हैं और उनका सामना करने के लिए बैठे बहुत ही अच्छी गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद थी एक मरतबा बीच पटकी हुई गेंद बहुत ही अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है और अगली गेंद के साथ फिर एक मरतबा पटकी हुई गेंद और ये चूंकि लगातार उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर बैटमैन के लिए कोई मौका नहीं खेलने के लिए बसाला साहब जाए भी रहे यहाँ पर आ जाइए और ये ऊपर से बाहर के लिए सीधा चार रन के लिए जाती हुई सीधा चार रन अगली गेंद अच्छी गेंद बहुत ही सुंदर शॉट लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद बाउंड्री के बिल्कुल करीब उन्होंने करेक्ट किया और वापस थ्रो कर दिया है और खूबसूरत फील्डिंग का बहुत मुजाहरा और वैसे ही अच्छी गेंद और अच्छा शॉट भी था और वैसे ही अच्छी फील्डिंग अगली गेंद ये खूबसूरत गेंद दिए उनका दूसरा विकेट है बहुत ही खूबसूरत गेंद थी खेलने की कोशिश जल्दबाजी में और उन्होंने बल्ला घुमा दिया था और इसका आउट होकर वापस पवेलियन वापस आ रहे हैं और एक गेंद उनकी बाकी है बहुत ही खूबसूरत गेंद उन्होंने की है अब असलम मैदान में जाते हुए ये आखिरी गेंद है इस ओवर की लास्ट बॉल लास्ट ओवर एक फ्री हिट था ना एक फ्री हिट था एक लास्ट बॉल एक बॉल और फ्री हिट का एक बॉल बाकी एम्पायर्स के लिए हो गया बोलने ओवर ओके ठीक है ये ओवर हो चुका है हाँ ये नेक्स्ट बॉलर अमर पूरे फील्डर्स अपनी अपनी जगह लेते हुए तीन विकेट पर 6 रन और ये गेंद एक थोड़ा सा बाहर जाती हुई है और ये वाइड का इशारा अंपायर का खूबसूरत अंपायरिंग करते हुए यहां पर गेंद बहुत ही बाहर की तरफ और ये अगली गेंद के साथ ये भी बहुत दूर पकड़े बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल लिया सीधा 4 रन के लिए बॉलर गेंद के बाहर कोई मौका नहीं हालांकि दो फील्डर वहां पर मौजूद थे बहुत ही सुंदर शॉट
ये आस्तम के काफी बाहर थी और उसका फायदा उठाते हुए बहुत ही खूबसूरत शॉट उन्होंने सीधा खेल गया बॉर्डर लाइन के बाहर सीधा 4 रन के लिए। ग्यारह रन और 3 विकेट। और जो लोग भी बाउंड्री के करीब है प्लीज थोड़ा सा वहां से आ जाइए। बच्चे जो भी बाउंड्री के पास खड़े हुए हैं थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए, वायलिन की तरफ आ जाइए। और अच्छी गेंद, ये थोड़ा सा चूके वहां पर बैट्समैन, कोशिश जरूर की थी और ये कीपर के पास से भी चूकती हुई, फील्डर के पास मौजूद, कोई रन का इजाफा नहीं। अमर अगली गेंद से, अगली गेंद करने के लिए तैयार, छोटा सा रन आप पटकी गेंद और सीधा उछाल दिया है फील्डर, वहां तीन फील्डर मौजूद लेकिन ये एक रन उन्होंने आसानी से ले लिया है। बहुत ही सुंदर शॉट, सुंदर शॉट तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि गेंद बहुत ही ऊंची उछली थी और उसको कैच करने के लिए तीन फील्डर वहां पर पहुंच गए लेकिन किसी को ये गेंद नहीं मिली और इसी के साथ ही उनके लिए एक जीवनदान। अगली गेंद फिर भी बच्ची और इसको सीधा खेल लिया है फील्डर वहां पर मौजूद और उनके ऊपर से 4 रन का इशारा, अंपायर का 4 रन का इशारा, 4 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट ये आपकी बार बराबर, उन्होंने सही तरह से कनेक्ट किया था बैट के साथ और सीधा 4 रन। 16 रन 3 विकेट, 16 रन 3 विकेट। अगली गेंद के साथ और इस बार चूंकि अच्छी गेंद थी खेलने की कोशिश नाकामयाब रहे विकेट कीपर उसके पीछे अच्छी से करके, ये लास्ट बॉल है इनके ओवर का, हल्के से रनअप के साथ दौड़ते हुए अच्छी गेंद और अच्छा उतना ही खूबसूरत शॉट फील्डर वहां पर उसका पीछा करते हुए और उन्होंने अच्छा कलेक्ट कर लिया है और इसी की तरह इसी के साथ ओवर ये थोड़ी सी नाकामी भी यहां पर चुस्त नहीं थे फील्डर्स, हालांकि ओवर थ्रो हो गया इसके साथ 3 रन का इशारा, अंपायर का 3 रन का इशारा, ओवर थ्रो हो गया था हालांकि पहले फील्डर ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको और इसके बाद ये ओवर की समाप्ति 19 रन 3 विकेट, 19 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। चार ओवर के दाम पर मकसूदार टीम का स्कोर 16-3 विकेट के नुकसान का, 19 रन। ये मंसूर राइट आर्म ओवर दे दीजिए आफ्टर के बाहर चूंकि असलम विकेट कीपर कलेक्ट किया और आज धीरे धीरे फिर बॉल के पास पहुंची गेंद। ये जो मैच खेला जा रहा है अकबर अहमद प्रीमियर लीग एडन गार्डन मंचल के ग्राउंड खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है, लगभग 80,000 दर्शक यहां पर देखते हैं इस मैच को और इस साथ ही साथ स्पोर्ट्स यम चैनल स्पोर्ट्स मंचल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है इसका मैच का। इस मैच की खूबसूरती ये है कि इसके दाहिने हाथ एक मशहूर साई बाबा टेम्पल है जो तेलंगाना में सबसे बड़ी टेम्पल है, उसके बाद ही गफनहर की मस्जिद है जो ये तेलंगाना में गंगा जमुना का तहजीब जो है उसका मुजाहरा पेश करती है एक स्टेडियम की। ये अच्छा खूबसूरत सा उठा के लौंगा की तरफ खेला, 1 रन हासिल किया अपनी टीम के लिए असलम ने और हमारे बाएं ओर ये तेलंगाना का सबसे बड़ा आरटीसी बस डिपो है जिसमें 5,600 बसेस डेली यहां से हैदराबाद जगह जगह।